दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर है। दिवाली के टाइम जब पूरा देश खुशियां मना रहा था, उस टाइम अपने 41 मजदूर एक टनल के अंदर फंसे हुए हैं और उनको फंसे हुए लगभग आज 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन से भी ज़्यादा। लगातार कोशिश के बाद भी वो नहीं निकल पाए। पूरी कहानी क्या है कि चार धाम प्रोजेक्ट के अंडर मोदी जी ने एक फंड पास किया था 12,000 करोड़ का। चार धाम को जोड़ना था ऑल वेदर रोड से, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चार धाम जो उत्तराखंड के अंदर है, इनको ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट था। क्योंकि हर सीजन में रोड बंद हो जाती है, कनेक्टिविटी छूट जाती है, तो लोग हर सीजन में नहीं जा सकते हैं। इस वजह से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट पास करा गया, ताकि किसी भी वेदर में जिसको भी चार धाम यात्रा करना है आराम से जाके कर सकते हैं, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। उसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एक टनल बन रहा था उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। वो टनल का लेंथ लगभग 4.5 किलोमीटर था। 90% उसका वर्क पूरा हो गया था, सिर्फ 10% वर्क बाकी था। एक साइड से टनल का कंस्ट्रक्शन वर्क होते होते बस थोड़ा सा एंड हो गया था। बट क्या हुआ कि 200 मीटर अंदर, एक किनारे से 200 मीटर अंदर, वहाँ से टनल सिंक हो गया। मतलब वो नीचे, ऊपर के जो मलबे थे ना पहाड़ के, वो नीचे गिर गए और वहाँ से रास्ता ब्लॉक हो गया। और उधर जो भी मजदूर थे, लगभग 41 मजदूर, वो उधर ही फंसे रह गए। लगातार कोशिश के बाद, पहले तो कोशिश करा गया कि मलबे को हटाया जाए, लेकिन जैसे ही मलबा हटाने गए तो ऊपर से और जो पहाड़ के मिट्टी वगैरह थे और वो नीचे आए जा रहे थे। फिर एक फॉरेन मशीन मंगाया गया, ऑर्गर मशीन, वो भी कामयाब नहीं रहा। उसका ब्लेड टूट गया और उसके ब्लेड टूटने की वजह से और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। अलग अलग प्लान पे वर्क करा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से बात नहीं बन रही है, तो अब वर्टिकल ड्रिलिंग की कोशिश करी जा रही है। और जो वर्कर हैं उसके अंदर, 41 वर्कर हैं, उनको एक पाइपलाइन के सहारे से उनको फूड, ऑक्सीजन की सप्लाई, पानी, ये सब, कैमरा, और उनको फ़ोन भी दे दिया गया है ताकि वो उनका थोड़ा टाइम पास भी होता रहे गेम के थ्रू। लाख कोशिश के बाद अब एक प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, जो इधर से लाना था हॉरिजॉन्टल वाला, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में उसमें लगभग 70 से 80 फीट ड्रिलिंग हो गई है। अब वहाँ से प्लानिंग है कि एक पाइप डाला जाएगा, फिर उस पाइप के रास्ते से उनको निकाला जाएगा। अलग अलग प्लान है, प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी हो रहा, प्लान बी नहीं होगा तो सी होगा। आई होप, हम लोग जल्दी उम्मीद करते हैं कि उस सभी वर्कर, वो सभी श्रम वीर वहाँ से सही सलामत निकल जाए। और जिस लेवल से अलग अलग ग्रुप काम कर रही है, आर्मी की टीम, एनडीआरएफ की टीम, बीआरओ की टीम, मतलब सब एक साथ जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, ये दुनिया का एक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला है। एक मूवी भी बनाया गया था कि एक कोइलवरी के अंदर से मजदूरों को निकाला जा रहा है जो फंसे हुए थे, लेकिन ये मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ में है। और जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट, जिस हिसाब से गवर्नमेंट एक्टिव है, वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने वर्कर से बात करा कैमरे के थ्रू, पीएम ने भी उनसे बातें करा, तो कहीं ना कहीं वर्कर के अंदर उम्मीदें होगी कि वो सुरक्षित हैं, उनके लिए लगातार कोशिश हो रही है, उनके लिए पूरा डॉक्टर की टीम रेडी है वहाँ से। और उसके बाद हॉस्पिटल में उनके लिए 41 बेड पहले से बुक कर रखा गया है, एयरलिफ्टिंग की सुविधा है, बस निकलने के इंतजार है। जैसे ही निकलेंगे, अभी तक सब सही सलामत है, जैसे ही निकलेंगे कोशिश ये रहेगी कि उसमें से एक भी मजदूरों को कुछ भी ना हो और वो सभी सही सलामत बाहर आएँ और अपने घर वालों से मिलें। तो जैसा ही अपडेट, जैसा भी अपडेट होगा इन फ्यूचर, आपको ज़रूर बताया जाएगा। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो के लिए। और मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब हर चीज़ से अपडेट नहीं मिल पाती है, तो इस चैनल को आप फॉलो करें, आपको सारी जानकारी लगभग थोड़े टाइम में मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।